नमस्कार दोस्तों, एपीजे इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं। ये हमारे पास टीवी आई हुई है, आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और जिसको हम इस वीडियो में काफ़ी आसान से तरीके से डायरेक्ट सही करेंगे बिना ज़्यादा कुछ बकवास किए। ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं पॉइंट पर। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है जिसको हम सही करेंगे। यह प्रॉब्लम दोस्तों अधिकतर बरसात के सीज़न में या फिर टीवी पर अगर नमी हो जाए तो ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो मैं ऑन करता हूँ इसको, ये क्या पावर इसमें नहीं आ रही है। तो कस्टमर का कहना है इसमें सब लाइनें जो है कि दिख रही हैं किस तरह की खड़ी खड़ी। रुकिए, मैं लगाता हूँ, पावर ऑन करता हूँ, देखता हूँ कहाँ से कुछ डिस्टर्ब है ये। प्लग वगैरह तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इसमें पावर नहीं जा रहा है। तो देखते हैं, हम निकालते हैं सर्किट को। तो सबसे पहले हम इसका ये मेन पावर वाला जैक निकालते हैं, पावर उस पर निकाल दें आप वायर को। और सीरीज में लगा है इसलिए मैं इसमें एक वायर लगा लूं या फिर एक ये मेरा चिमटी रहा इसके होल में चला जाएगा। सो सीरीज में लगा है तो क्या होगा कि इस तरह से लगाने पे वायर शॉर्ट नहीं होगा, सीरीज बल्ब सिर्फ हमारा ऑन हो जाएगा। एक मिनट, मैं भूल गया कैमरा सेट करना, काफ़ी ये ऊपर हो गया, मैं भूल गया हूँ दोस्तों, काफ़ी जल्दीबाजी के चक्कर में, क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट पे आने वाले थे हम। तो ये जो है कि हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देख सकते हैं आप क्या करने वाला हूँ कि ये हमारा इसमें पावर नहीं जा रहा है टीवी में। तो ये इसकी वायर है ये, तो ये क्या वायर में ही करंट नहीं आ रहा है, वायर में काफ़ी ज़्यादा जोड़ भी है, मतलब सब ज्वाइंट भी है। देखते हैं कहाँ से डिस्टर्ब हुआ है इसका ये वायर। तो फिलहाल वायर कौन सा है, यही वाला वायर है दोस्तों। तो ये मेन लीड है इसकी, कहीं मेन लीड का ही प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ये प्लग काट देते हैं। प्लग काटने के बाद चेक करते हैं या फिर इसमें स्विच जो लगी है उस स्विच को चेक कर लेते हैं। तो ये मैं इसको लगा रहा हूँ, इसमें शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि मैं सीरीज में लगाने वाला हूँ। वायर सही होगा, सीरीज बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा और ऑन होते ही आपको लाइट जैसा, ठीक है। तो ये स्विच हमारा सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करने वाला हूँ, मैं इस प्लग को काट देने वाला हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा नया कटर, आज देख सकते हैं आप पहली वीडियो इस कटर के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, तुरंत वायर काट दे रहा है। तो इस पर थोड़ा सा भी हाथ दोस्तों बैठाना पड़ेगा, देख रहे हैं। तो मैं अपने पुराने तरीके से छीलता हूँ ज़रा इसको, चलिए ठीक है। दोस्तों ये प्लग वाला ही प्रॉब्लम था, ये देख सकते हैं आप, एक मिनट, ये रहा। तो देख सकते हैं प्रकाश आपको मिल रहा होगा, तो ये वायर की समस्या आई थी। अच्छा, अब लगाते हैं पावर में, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है टीवी में। इस तरह से आप वायर को भी चेक कर सकते हैं, वायर सही है कि नहीं। लेकिन सीरीज में दोस्तों डायरेक्ट लगाएंगे तुरंत ये तार आपका वायर जो है शॉर्ट करके ख़राब हो जाएगा। चलते हैं डिस्प्ले पर और दिखाते हैं आपको इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए हमारे पास ये रिपेयरिंग के लिए आई है। तो टीवी तो हमारी ऑन हो ही चुकी है, देखते हैं किस तरह से पिक्चर आ रही है इसमें, वेट करते हैं थोड़ा सा लाइट आने तक। तो ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरह की ये पिक्चर है। तो दोस्तों ये वाली पिक्चर दो तरीके से आती है, एक कब आती है आपको पता है, एक जब इसका बेस ख़राब होता है तब इस तरह की पिक्चर आती है, और एक तब जब इसकी वर्टिकल आईसी ख़राब होती है तब। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि देख लेंगे बेस, अगर हमको दिखता है इसमें कुछ गंदगी वगैरह दिखता है तो ठीक है, पहले देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसका ये बेस काफ़ी ज़्यादा जो है कि गंदा हो चुका है, तो सबसे पहले हम इस बेस को चेंज करने वाले हैं। तो आइए मैं फटाफट से इस बेस को चेंज करूँगा, अगर इसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं सही होती है तो उसके लिए आपको वर्टिकल आईसी वो चेंज करना पड़ेगा, 78040। इस आईसी को आप चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी यहीं से सही हो जाएगी। सबसे पहले काम यही करें, देख लें आपका अगर बेस जंग इसमें लगा हो फोकस वाले पॉइंट पे तो उसको ज़रूर साफ़ कर दें।
मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ये किस तरह से जंग लगा हुआ है इसमें। 1 मिनट, एक वायर ये दोस्तों रही, फोकस वाली वायर यही रही। तो ये देखिएगा, इसके बीच में सेंटर में देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सब क्या लगा है, जंग। तो आइए हम इसमें एक नया बेस लगाते हैं और अपनी टीवी को सही करते हैं काफ़ी आसान से तरीके से, ठीक है। छोटा सा फॉल्ट है दोस्तों, ये नॉर्मली ये सही हो जाता है यहीं से। तो मैं एक नया बेस इसमें लगा लेता हूँ, ठीक है। ये रहा बेस हमारे पास। तो नीचे कुछ गंदगी है तो इसको आप साफ़ कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा ये कार्बन टाइप में होता है तो जल्दी कुछ ख़राब होता है ये बेस इसकी वजह से। तो ब्लेड हो तो ब्लेड से आप अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, मतलब कुछ नुकीला चीज़, धारदार चीज़। तो आप धोना चाहे इस सर्किट को तो धो के थिनर से पास कर लीजिए। तो मैं तो डायरेक्ट पूरा इसका ये कार्बन यहाँ से प्लेट को घिस के निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आप में ये कार्बन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घिसने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बेस को लगा दीजिए, ठीक है। ये एक वाला पॉइंट कुछ इस तरह से बेस लगेगा। इसमें दोस्तों आप उल्टा नहीं लगा सकते, क्योंकि उल्टा आप लगाना चाहेंगे तो ये आपका अर्थ का वायर, अर्थ का जो पॉइंट है बेस का, ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो सीधा ही लगेगा ये हमेशा, तो किसी कंडीशन में हो सकता है लग जाए, तो फिलहाल ये उल्टा तो नहीं लग पाता, ठीक है। मैं इसकी सोल्डिंग कर लेता हूँ तो आपको फिर दिखाता हूँ क्या ये हमारी टीवी सही होती है कि नहीं। यहीं से फटाफट से मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सोल्डिंग हो चुकी है इसका। ये हम फोकस वाला पॉइंट भी जोड़ लेते हैं, सोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों ये हो चुका है सोल्ड, अब क्या करने वाले हैं, इसको हम आसानी से बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसको आप प्रेस करेंगे तो अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये पुराना बेस, ये नया बेस तो लग गया है। आइए चलते हैं डिस्प्ले पे, देखते हैं क्या कहता है टीवी, अब हमारा ऑन होती है या नहीं। वह कंपनी तो बढ़िया है दोस्तों, सैमसंग की बट लग चुकी है क्या, चाइना वाले सर्किट लोकल। आइए देखते हैं अब क्या रिस्पांस मिलता है, कुछ लाइट वगैरह आती है या नहीं। देख सकते हैं पिक्चर ये बन चुका है दोस्तों, पिक्चर आ चुका है। ये सीआईडी चल रहा है। तो दोस्तों ये सही है, बट इसमें एक समस्या है अभी, क्या पिक्चर जैसे लाइनिंग की तरह दौड़ रही है, तो कुछ हो सकता है ड्राई हो या अर्थ हमारा सही से नहीं मिल रहा हो टीवी को, तो उससे हो सकता है। तो आइए देखते हैं, कुछ इसमें जैसे लग रहा है कि स्पार्क टाइप में इस सर्किट में हो रहा है। तो कहाँ से, तो दोस्तों इसकी बेस में अभी भी स्पार्किंग हो रही है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा, इसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। तो इसमें किसी ने, मैं आपको दिखाता हूँ क्या इसमें गड़बड़ी क्या है, थोड़ा सा कैमरा मुझे मोबाइल फ़ोन उठाना पड़ेगा। ये जो मैंने इतना आसानी से इसको निकाल लिया है, इतनी आसानी से नहीं निकलता है, काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता निकालना पड़ता है। ये देख सकते हैं, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको पहले दिखा देना चाहिए था। ये देख सकते हैं फोकस वाली पॉइंट इसका, इस पर पूरा हरा हरा कलर का जंग लगा है, तो इसको आपको बिल्कुल साफ़ कर लेना है, ठीक है। इसको आप साफ़ कर लीजिए। साफ़ कैसे करना है, इसको आप थिनर से या फिर पेट्रोल से साफ़ करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। तो मैं आपको साफ़ करके दिखाई देता हूँ, क्योंकि साफ़ करने जा ही रहा हो तो आपको इसी बहाने दिख भी जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से वाश कर लीजिए, धो लीजिए आप, ठीक है। ये बिल्कुल चमकने लगे इस तरह से साफ़ करिए, नहीं तो ये बेस आपका बहुत जल्दी ख़राब होगा फिर। तो ठीक है, इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ पहले। थोड़ा सा इस पे ऊपर का कार्बन हटा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें पेट्रोल से साफ़ करूँगा। आपके पास थिनर तो थिनर से कर सकते हैं, सभी पिनों को साफ़ कर देंगे इसी बहाने।
काफी आराम से दोस्तों इसको साफ करना है, जल्दबाजी ना करें नहीं तो इंजन से लपड़ा आपके पीछे ट्यूब के पार्ट लगा देगा। काफी आराम से करिए, ये साफ है दोस्तों बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक बार सबसे पहले दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने साफ किया हुआ है। ये देख सकते हैं जो पहले हरा हरा सब दिख रहा था, एक मिनट, कैमरा दोस्तों थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल साफ है दोस्तों, थोड़ा सा कैमरा कमज़ोर है, बस आप सब अपना सपोर्ट करते रहिए इस तरह, ठीक है। तो मैं एक अच्छा खासा कैमरा ले लूँगा जिससे आपको साफ साफ दिखे सब कुछ बिल्कुल। तो आइए मैं इसको लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ क्या हमारी ये पिक्चर अब सही हुई है नहीं, जो थोड़ा थोड़ा लाइनिंग टाइप बन रहा था बीच में, अब ये समस्या हमारी यहीं से सही हो जाएगी। तो देख लीजिए मैं आपसे जो कहता हूँ, हमारी सारी बातें जो है कि सही है बिल्कुल, देख सकते हैं आप। ऑन थोड़ा सा हो जाने दे टीवी को, टीवी ऑन है, तो ये देख सकते हैं आप, अभी भी इसमें दोस्तों थोड़ी समस्याएं हैं, बट ये थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया इसको लगाने में, थोड़ा सा सूख जाना चाहिए था, तो मैं इस कवर को निकाल रहा हूँ और फिर इसको इसके बाद लगा के देखता हूँ, क्योंकि इस कवर में थोड़ा सा दोस्तों साफ लग रहा था, लेकिन उसकी वजह से भी होता है कभी कभी। बस इतना ही, थोड़ा सा गैप रहने दें। तो फिर दोस्तों ये समस्या हमारी देखने में तो लग रहा है कि सही हो चुका है फिलहाल, अगर लाइनिंग अगर आती तो कहते कि ये सही नहीं हुआ, लेकिन लाइनिंग तो गायब है। तो मैं एक दूसरा चैनल चेंज करके देखता हूँ फिलहाल, तो दोस्तों ये समस्या आप देख सकते हैं, लाइनिंग जो थी वो बिल्कुल ख़त्म है, देख सकते हैं आप, जो बीच बीच में दोस्तों जो हमारा स्पार्किंग टाइप हो रहा था वो बिल्कुल ख़त्म है। और दोस्तों इसमें एक समस्या क्या है, इसका हमारा साउंड नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें इस स्पीकर को, इसमें स्पीकर नहीं दोस्तों, तो स्पीकर को हम लगा लेंगे, बाकी हमारी समस्या सही हो चुकी है, ठीक है। तो मैं मिलूँगा आपसे कुछ नया जानने के लिए, सीखने के लिए किसी नए वीडियो में, ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।